बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजू है आज हमारा जेब कतरे। घर से निकलते वक्त मर्द व ख़वातीन अपने जेब का, अपने पर्स का, पॉकेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की रंगीनी में इस कदर खो जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में घूमते हुए, किसी भीड़ वाली जगह पे, रश वाली जगह पे, कि एहसास ही नहीं होता कि कब आपकी जेब में से कोई पैसे या पर्स में से निकाल कर ले गया, और फिर परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। ज़ाहरी बात है कि अगर इंसान की हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई, कोई नादान किस्म का जेब कतरा ले जाए या कोई शरारत कर दे तो बुरा भी लगता है। आप जब भी अपने घर से निकलें, क्योंकि इल्मे नजूम में इस किस्म के वाक़यात का ताल्लुक वीनस के साथ है, यानी जोहरा इसके ऊपर हुक्मरानी करता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बारी, इसको 213 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ अपने घर से आप लोग ज़रूर निकला करें, या 21 रुपए का सदका देकर घर से निकलें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के वाक़यात से आप लोग महफूज रहेंगे। और एक नगीना है ओपल, वो भी लेकर पहना जाता है, लेकिन जब भी नगीने का इस्तेमाल करें पहले अपना इनफरादी तौर पे जायचा बनवाइए, फिर उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।